लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम इस रिपोर्ट में कृष्ण लीला की आगे की बातें बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। शकुनी के षड्यंत्र के तहत कुंती सहित पांचों पांडवों को वर्णावत भेज दिया जाता है, जहां अलक्षा ग्रह में उन्हें जलाकर मारने की योजना रहती है। इस बीच महामंत्री विदुर को एक गुप्त पत्र मिलता है, जिसमें गुप्तचर उन्हें संकेत से एक गुप्त स्थान पर मिलने को कहता है। सेवक के जाने के बाद महामंत्री विदुर देखते हैं कि उस पपीता के फल में लाल कंकु लगा है। वे उसे हटाते हैं तो उस पपीता का कुछ भाग कटा हुआ नजर आता है। कटे हुए टुकड़े को निकालते हैं तो उसमें एक पत्र रखा होता है, जिसे देखकर वे चौंक जाते हैं। उस पत्र को निकाल कर पढ़ते हैं, जिस पर लिखा होता है शिव मंदिर के पीछे वट वृक्ष के नीचे। विदुर शिव मंदिर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठे साधु से गुप्त रूप से कमल ओढ़ कर मिलते हैं और कहते हैं, क्या बात है वज्रदत्त, ऐसी क्या भीषण समस्या आन पड़ी कि तुम्हें इस भेष में आना पड़ा। गुप्तचर वज्रदत्त कहते हैं, समस्या नहीं परंतु प्रभु महान संकट आ पड़ा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। विदुर कहते हैं, परंतु वह षड्यंत्र क्या है। तब वज्रदत्त कहता है, पांचों पांडवों की एक साथ हत्या। यह सुनकर विदुर चौंक जाते हैं। फिर वज्रदत्त शकुनी की चाल बताता है कि वारणावत में पुराने महल की मरम्मत के बहाने संपूर्ण घर लाख का बना दिया गया है और पहली रात ही उस लक्षा ग्रह को आग लगा दी जाएगी, और यदि आप इस बात की सूचना देने के लिए भीष्म पितामह के यहाँ गए तो उन्हें इसका पता चल जाएगा कि आपको पता चल गया है। तब विदुर बताता है कि तुम्हें अपने चार विश्वस्त आदमियों के साथ गुप्त रूप से पहाड़ी मार्ग से पांडवों से पहले वारणावत पहुंचना है और उन्हें बचाना है। फिर विदुर उन्हें एक गुप्त योजना बताते हैं। विदुर की आज्ञा पाकर वज्रदत्त निकल पड़ता है। उधर पांचों पांडव रास्ते में पड़ाव डालते हैं। रात्रि में अर्जुन भीम से कहता है कि भैया, इस तरह हम पांचों का वारणावत जाना कहाँ तक उचित है। तब भीम पूछता है कि मैं समझा नहीं। तब अर्जुन कहता है कि वैसे तो हम पांचों भाई एक साथ वारणावत जाना चाहते थे, लेकिन ये प्रस्ताव उन्हीं की ओर से आया है। अर्जुन को इस पर शक होता है। दोनों इस संबंध में चर्चा करते हैं और यह शंका व्यक्त करते हैं कि हो सकता है कि दुर्योधन इस बीच महाराज को हटाकर खुद राजा बन जाए और हमारे वापस आने का रास्ता बंद कर दे। तब भीम कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और विदुर काका ऐसा होने नहीं देंगे जब तक युवराज जीवित है। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि ये कहकर आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। जब तक युवराज जीवित है, इसलिए अब हमें युवराज के जीवन की चिंता करनी चाहिए। आज हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम कहीं भी कभी भी बड़े भैया को अकेला नहीं जाने देंगे। उनकी सुरक्षा का भार आज से हम दोनों पर होगा। भीम कहता है, अवश्य। फिर वज्रदत्त और उसके साथियों को तेज गति से घोड़े पर जाते हुए दिखाया जाता है, तो दूसरी ओर पांडवों को रथ पर सवार वारणावत की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। उधर वारणावत में एक प्रधान सैनिक पांच अन्य सैनिकों और एक सेविका को वारणावत के महल का अवलोकन कराते वक्त बताता है कि कौन सा कक्ष किसका है। फिर वह कहता है कि युवराज युधिष्ठिर और महारानी कुंती के कक्ष को विशेष रूप से सजा दिया जाए। फिर वह महिला से कहता है कि तुम सैरंधी के भेष में महारानी की सेविका बनकर उनके साथ रहोगी और तुम पांचों एक एक राजकुमार की सेवा में रहोगी। सभी कहते हैं जी। फिर वह सैनिक कहता है, और हाँ, सोने से पहले रात्रि को दूध में बेहोशी की बूटी मिलाकर पिला देना, ताकि आग लगने तक वो लोग होश में ही ना आ सके। और याद रखना, ये सारा कार्य पहली रात्रि को ही पूरा हो जाना चाहिए। वह महिला कहती है, जी हम भी याद रखेंगे और वो लोग भी याद रखेंगे। फिर वे सभी हंसने लगते हैं। उधर दुर्योधन कहता है, मामा जी, यदि विदुर को इस षड्यंत्र का पता चल जाए तो क्या होगा। तब शकुनी कहता है, भांजे, जब किसी बड़े कार्य की तरफ आगे बढ़ो तो उसकी असफलता के बारे में कहना तो क्या सोचना भी नहीं चाहिए। षड्यंत्र भी एक प्रकार का युद्ध होता है, जो बुद्धि से लड़ा जाता है। इसलिए किसी डर या संशय के वजह से आधे रास्ते से मत लौटो। अब केवल सफलता की बातें सोचो। सोचो कि इस चाल की सफलता के बाद तुम्हारा राज्याभिषेक किस शान से होगा। फिर शकुनी बताता है कि मैंने किस तरह गुप्तचरों का जाल बिछा रखा है। मेरे गुप्तचरों ने पितामह भीष्म,
गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और महामंत्री विदुर के निवास स्थानों को चारों ओर से घेर रखा है। कौन वहां से आता है, कौन वहां से जाता है और कहां जाता है, उस पर प्रतिक्षण नजर रखी जा रही है। यदि विदुर को यह पता चल जाता तो क्या वह चुपचाप से अपने घर में विश्राम कर रहा होता? नहीं, इस वक्त वह मूर्ख अपने घर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठा पूजा कर रहा है। उधर विदुर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने उनसे कुंती और पांडवों की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। उधर श्री कृष्ण हंसते हैं तो बलराम पूछते हैं, क्या हुआ, किस पर हंस रहे हो? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हंस रहा हूँ ये देखकर कि एक परम ज्ञानी भी कितनी जल्दी विचलित हो जाता है, जबकि वह ये अच्छी तरह जानता है कि जिसके साथ मैं हूँ उसे भला किस बात का भय। तब बलराम जी कहते हैं, ये सब तुम्हारी माया की लीला है। उधर वज्रदत्त साधु भेष में वारणावत में पांडवों के रुकने के स्थान लक्षाग्रह के नजदीक नदी के किनारे पहुंच जाता है। तब बलराम जी कहते हैं, ये सब तुम्हारी माया की लीला है। अगले वीडियो में बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पीच को।